दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने एक और डेट फंड की बात करने जा रहा हूँ। डेट फंड की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी कम रहता है। एनएवी की बात करेंगे तो 25 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है, काफ़ी कम है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 8.63% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। 5 साल में बात करेंगे तो 7.40, और 3 साल में बात करेंगे 7.29, 1 साल में बात करेंगे 6.5% के आसपास इसने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। चूंकि 8.5% के आसपास मैक्सिमम सीएजीआर के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है, तो कहीं ना कहीं मेरे मित्रों कि एफडी को ये थोड़ा सा बीट करता है। तो अगर काफ़ी लोग अगर ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा ना रखे, इक्विटी मार्केट में पैसा रखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा रखना चाहते हैं, पर वो रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसे फंड्स बेस्ट हो सकते हैं। ये भी एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। अगर मैं थ्री थ्री मीडियम ड्यूरेशन की कैटेगरी में इसको रेट किया गया है, 4 out of 5 इसको वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया हुआ है। सचिन जैम और अखिल ठक्कर साहब ये आपके फंड को मैनेज करेंगे। इनका क्वालिफिकेशन बढ़िया है, बेहतरीन है, और रिटर्न इन्वेस्टर्स को 9% के हिसाब से मिल रहा है, क्योंकि मेरे मित्रों ये डेट फंड है इस वजह से, ठीक है, रिस्क काफ़ी कम रहता है। देखिए इसमें थोड़ा सा रिस्क, जनरली मैं म्यूचुअल फंड्स लेके आता हूँ वहाँ पर रिस्क वेरी हाई कर दिया जाता है, यहाँ देखिए मॉडरेटली हाई है, मॉडरेट नहीं है, मॉडरेटली हाई है, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क इन्होंने लिया है। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था उसकी कैटेगरी देखो, एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड की मैं बात कर रहा था। अब देखिए कोई स्ट्रेटेजिक बुलाएगा, कोई मीडियम टर्म बुलाएगा, एसबीआई मैग्नम वाला इसको मीडियम बुलाता है, कोई कुछ बुलाएगा, पर ये है एक्चुअल में डेट फंड, ठीक है। बस शब्दों पर मत जाना, मीनिंग पे जाना। 1717 करोड़ रुपए असेट साइज है, इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। 0.39% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, मेरे हिसाब से माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.39% का। कैश होल्ड की बात करेंगे तो -2.75। निफ्टी मीडियम ड्यूरेशन डेट इंडेक्स C3 को इन्होंने टारगेट किया है। 12 महीने के अंदर अगर आप निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का ये आपसे एग्जिट लोड चार्ज कर लेंगे। तो कृपया करके सोच समझ के इन्वेस्ट करना, वही पैसा लेके आना जो आपको 12 महीने के अंदर ज़रूरत ना हो। अब ये देखो कहाँ कहाँ आपका पैसा पड़ा रहता है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ में आपका ऑलमोस्ट 40% पैसा रहता है। पावर फाइनेंस PFC के नाम से जानते हो, 4.66% पैसा रहता है। PFC में काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी मिलता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में आपका पैसा रहता है। कुछ अदर्स में भी आपका पैसा पड़ा रहता है। सिडबी में आपका पैसा रहता है। GM फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस में आपका पैसा रहता है। संवर्धन मदरसम इंटरनेशनल जो मर्ज्ड कंपनी है वहाँ पर भी आपका पैसा रहता है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट में आपका पैसा रहता है। भारतीय टेलीकॉम, नोवोको विस्टाज, SK फिनकॉप, एवांस फाइनेंशियल, ओरिएंटल नागपुर, बेतुल हाईवे लिमिटेड, DLF साइबर सिटी एंड विवृति कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस, मोतीलाल ओसवाल फिनवेस्ट, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, नवी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट बिजनेस रिसीवेबल ट्रस्ट। ये देखो कुछ अतरंगी टाइप के आप नाम सुन रहे होंगे, पर आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर डील करते हो। तो देखिए कितनी अतरंगी टाइप की सिक्योरिटीज़ हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा रहता है। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, भारती वेंचर्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मलवा सोलर पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड, आपको इनका नाम पता होना चाहिए ताकि कोई कभी पूछ दे तो आपको पता हो, एटलीस्ट सुना हुआ हो। ग्रीनलम इंडस्ट्रीज, आधार हाउसिंग फाइनेंस, वेरिटास फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, EPL लिमिटेड, स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड है उन्हें, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं जो आगे चल के CFA बनना चाहते हैं, CA बनना चाहते हैं, इवन MBA करना चाहते हैं, उन सबको तो इन सब के बारे में पता होना ही चाहिए। EPL लिमिटेड, JK सीमेंट, टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रत्न इंडिया एंड कोगटा फाइनेंशियल, संड्यू प्रॉपर्टीज़, रिलायंस जियो इंफ्राटेल, हिंदुजा लेलैंड, गोदरेज इंडस्ट्रीज, पंजाब नेशनल बैंक, उत्तर प्रदेश स्टेट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, REC के कुछ, ये देखो शेयर्स रहे आपका पैसा पड़ा रहता है। इसके साथ साथ कुछ सिक्योरिटीज़ भी हैं जैसे डिवेंचर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़, NCT, CBLO, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, FRB सिक्योरिटाइज डेट, CP, FRD, एडिशनल टीयर 2 बॉन्ड्स, STL, CGL एंड नेट पेबल्स, यहाँ कुछ आपका पैसा पड़ा रहता है। इसके साथ साथ कुछ अल्टरनेट अब मैं देने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि 3 डेट फंड मैंने कवर कर लिए हैं जो कि बेस्ट हैं।
ठीक है, आप प्लेलिस्ट मल्टीवैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके बाकी के डेट फंड्स का आप रिव्यू एनालिसिस चेक कर सकते हैं। मेरे मित्रों, 2000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट चल रहा है, जो कि केवल आपके सब्सक्राइब बटन पे टिक करके ही पॉसिबल हो पाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी की आज बात कर रहा था, टॉप 10 के अंदर एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी का भी नाम आता है। 2,39,695 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है, टोटल 199 स्कीम को ये मैनेज करके चलते हैं। एक्सिस अगर स्मॉल कैप की बात करूंगा तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। डेट फंड की बात करूंगा तो भी अच्छा रिटर्न एक्सिस ने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। मेरे मित्रों, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बोलो बहुत बहुत धन्यवाद।